हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आज हम लोग ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिस एंगल से आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसे भी एक्सीडेंट हो सकता है। आप जब भी ट्रैवल करते हो तो आपको एक कॉमन चीज है जो कि रास्ते में आप देखते हो, वो है बैलगाड़ी। जब आप किसी अपने गांव में ट्रैवल करते हो, रास्ता थोड़ा छोटा होता है, एक के बाद एक बैलगाड़ियां, चार चार पांच पांच बैलगाड़ियां साथ में ट्रैवल करती है, तो उस समय सबसे रिस्की होता है जो हमारी फोर व्हीलर होती है वो ट्रैवल करना। क्योंकि हम लोग जब उस बैलगाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, एक बैलगाड़ी को ओवरटेक करने के बाद सामने दूसरी बैलगाड़ी खड़ी दिखती है और दूसरी ओवरटेक करते हुए तीसरी खड़ी दिखती है, तो इस सब सिचुएशन में हमको थोड़ा सा गुस्सा आता है। तो हम ऐसा रैश ड्राइविंग करने की कोशिश करते हैं और एक तो रास्ता छोटा होता है और बैलगाड़ी को ओवरटेक करने के लिए हमें रास्ते से थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है, तो इस साइड राइट साइड को देखने के चक्कर में हम लोग लेफ्ट साइड में बैलगाड़ी के बहुत नजदीक आ जाते हैं। तो बैलगाड़ियां जो होती है उनका जो पहिया होता है उसको नुकीली ऐसी एंगल सरिया होता है, वैसी कोई चीज लगी हुई रहती है और बहुत से फैक्टर्स है। तो आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को आपने देखा है, इसमें आप देखो ये इर्टिगा आप देख पा रहे हो। जैसे ही इस बंदे ने राइट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश करी, जो बैलगाड़ी थी उसका जो नुकीला सरिया था उसने इस बैलगाड़ी को आगे से लेके पीछे तक पूरा फाड़ दिया है। अभी आप ही बताओ, 2 मिनट के लिए अगर वो रुकता और ओवरटेक करने की एक अच्छी सी जगह ढूंढता तो उसका ये नुकसान बच जाता। ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी आ सकती है अगर आप बैलगाड़ी के पीछे चल रहे हो, तो आपको दिमाग बहुत ही ठंडा रखना है। पता है चार पांच बैलगाड़ियां सामने चल रही है, एक ओवरटेक करेंगे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी के ऊपर करेंगे तो तीसरी आ जाएगी। इस सब मगजमारी में हमें थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा और हम लोग रैश ड्राइविंग करने की कोशिश करेंगे, रास्ते के नीचे उतर जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, ऊपर उतर जाएंगे, ऊपर आएंगे। इस सब सारे चक्कर में आपका एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आदमी गलती करता है। रैश ड्राइविंग के समय हम लोग डेफिनेटली कोई ना कोई गलती करते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब भी रास्ता छोटा हो तो आप धीरे से गाड़ी चलानी है, कोई जल्दी नहीं करनी है। अगर आप वहां पे 2 मिनट बचाने के लिए जाएंगे तो आगे आगे आपकी गाड़ी आपको 4-8 दिन के लिए या 15 दिन के लिए गैरेज में छोड़नी पड़ेगी। उसके टाइम के बारे में तो आप कभी सोचते ही नहीं हो और ऊपर से एक्सीडेंट होने के कारण आपका नो क्लेम बोनस चला जाएगा, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, बहुत सारे खर्चे बाद में बढ़ जाते हैं। तो इतना सब होने से अच्छा है यार, 2 मिनट या 5 मिनट थोड़ा सा रुकिए, ढंग से हॉर्न दीजिए, बैलगाड़ी को थोड़ा रास्ते के नीचे उतरिए, उतरने दीजिए, क्योंकि बैलगाड़ी जो होती है वो रोड से बहुत नीचे तक उतर सकती है और हमें अच्छे से रास्ता दे सकती है, लेकिन उनको समय देना पड़ता है। समय अगर आप दोगे तो वो आपको राह देंगे, लेकिन आप अगर रैश ड्राइविंग करेंगे, जल्दबाजी में आप 100% कोई ना कोई गलती कर बैठेंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बात मुझे इम्पोर्टेंट लगी इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने तो वीडियो में देखा ही होगा एर्टिगा का कितना बड़ा नुकसान हुआ, 10,000 तक एक डोर आता है, दो डोर तो बदलने पड़े, ये रिपेयर होते नहीं है, ये पूरे अंदर तक फट गए थे, बम्पर का भी, पीछे वाले बम्पर का भी काम तमाम हो गया। तो इतना सारा जो नुकसान है वो बैलगाड़ी वाला तो नहीं उठाएगा, आपको आपने इंश्योरेंस में ही करना है। अगर आपका इंश्योरेंस जीरो डेप नहीं रहेगा तो 50% तो आपको ही डालना है, अगर 40-50 हज़ार का काम आया तो 25 हज़ार आपकी जेब से ही जाने वाले हैं। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आप जल्दबाजी करते हो तो इतना सब कुछ आपको झेलना पड़ सकता है, इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। मेरा जो मोटिव है वो आपको ड्राइविंग करते समय मैंने जो जो एक्सीडेंट देखे हैं उससे आप को कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊं, ताकि आप भी अगली बार ड्राइविंग करने के समय आप इस एंगल से भी आप देख सकते हो। क्योंकि बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी तो जाए 40-50 हज़ार तक आ जाती है, आपकी गाड़ी 5 लाख, 10 लाख, 40 लाख,
बहुत महंगी होती है, नुकसान तो आपका ही ज्यादा होने वाला है। इस एक्सीडेंट में आपने देखा होगा एर्टिगा को पूरा एक साइड से फाड़ दिया है, तो उस सिचुएशन में बैलगाड़ी को कितना नुकसान हुआ होगा, कुछ भी नहीं, एंगल ही खाली घिसा हुआ होगा। तो इस एंगल से आपको जरूर देखना चाहिए, और अगली बार गाड़ी धीरे से चलानी चाहिए, छोटे रास्ते में गड़बड़ नहीं करनी है हमें। हाईवे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे में बहुत जगह रहती है, लेकिन गांव के हमारे जो रास्ते हैं वो छोटे होते हैं, दो गाड़ियां बहुत मुश्किल से बैठती है, एक गाड़ी को रास्ते के नीचे उतरना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है, और धीरे से ओवरटेक करना है, दिमाग ठंडा रख के ओवरटेक करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगले 15-20 दिनों तक नहीं तो आपको ये झेलना पड़ेगा, आपको आपकी गाड़ी लगानी पड़ेगी, फिर तो आपको ऑप्शंस है ही नहीं, आपको तो दूसरी गाड़ी देखनी पड़ेगी। तो इतना सब कुछ क्यों करने गया, तो बस इतना ही मुझे आपको मैसेज देना था। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेशनल लगे तो आप अपने दोस्तों के या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलना यार, और मेरे चैनल को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।